कभी कभी कुछ कहानियां हमें इतना छू जाती हैं कि कुछ कर गुजरने की जिद सवार हो जाती है। लेकिन यही कहानियां सिर्फ कहानी ना हो बल्कि हो किसी के जीवन का सच, तो असर भी दुगना होता है। और ऐसी ही एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको रूबरू कराने मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आपका 7i न्यूज में। ये कहानी है शिरीन की, मुंबई की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर। सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए होंगे, है ना, इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में कैसे एक महिला एडजस्ट करती होगी। ये महिला साधारण नहीं है, ये है बहुत ही खास, और जितनी खास ये है इनकी कहानी भी उतनी ही खास है। मुंबई की लेडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिनके जीवन का सफर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के एक फेसबुक पेज ने शेयर किया है। एक सफर जो शिरीन के लिए बेहद चैलेंजिंग था, एक सफर जिसमें शिरीन ने खोए अपने जीवन के दो बहुत जरूरी लोग, एक सफर जिसमें शिरीन को मिली एक नाकामयाब शादी। बावजूद इन सब के उन्होंने खुद को खड़ा किया और बनी औरों के लिए मिसाल। आइए सुनते हैं शिरीन की कहानी उन्हीं की जुबानी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के इस पेज के जरिए। मेरा जन्म एक रूढ़िवादी और गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। जब मैं 11 साल की हुई तब मेरे माता पिता हर दिन झगड़ने लगे और जल्द ही उनका तलाक हो गया। इसलिए जब मेरी माँ ने पुनर्विवाह करने का फैसला लिया तो ये एक स्कैंडल की तरह था। लेकिन वो उन लोगों में से थी जो अगर कुछ चाहती थी तो निडर होकर करती थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरी माँ हमारे भाई के साथ बाहर गई थी। तब हमारे ही समुदाय के कुछ पुरुषों ने उन्हें घेर लिया, उन्हें उनकी दूसरी शादी को लेकर ताने दिए और उनके चरित्र को अपमानित किया। उन लोगों ने मेरे भाई को भी ताना मारा और इससे वह बहुत प्रभावित हुआ। मेरी माँ इतनी बुरी स्थिति में थी कि बाद में उस रात उन्होंने खुद को आग लगा ली। माँ को हारना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक था जिनका मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ा। एक साल के भीतर ही मेरे पिता ने मेरी और मेरी बड़ी बहन हम दोनों की शादी कर दी, लेकिन मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए तंग किया और जब वो गर्भवती थी तो उन्होंने उसे जहर दे दिया। मैं बिखर गई थी, मैंने उन दो लोगों को खो दिया था जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। मैं एक अंधेरी जगह में थी, लेकिन जब मैं गर्भवती हुई और मेरा बेटा इस दुनिया में आया, मेरे पास उसे आगे बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आखिरकार मुझे और मेरे पति को भी समस्या होने लगी। मेरे तीसरे बच्चे के जन्म के बाद मेरे पति ने हमारी देखभाल करने से मना कर दिया। वो सिर्फ मेरे शरीर को चाहता था और अब उसका मन भर चुका था, तो उसने 3 बार तलाक कहा और मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। मुझे 3 बच्चों के साथ सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया था। ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन मुझे उठ खड़ा होना था, इसलिए मैंने एक छोटी सी बिरयानी स्टॉल लगाई। लेकिन एक दिन BMC ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। मेरे पति एक रिक्शा चालक थे, इसलिए जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने अपनी सारी बचत ली और रिक्शा चलाने का फैसला किया। मैंने अच्छी कमाई की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान किया। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे नीचा दिखाया और मुझ पर संदेह किया क्योंकि मैं एक महिला हूँ। अन्य रिक्शा चालक भी जानबूझकर मेरे साथ बदसलूकी करते थे और मुझे किराया लेने से रोकते थे, लेकिन मैंने खुद को इससे कभी भी परेशान नहीं होने दिया। 1 साल हो गया है और मैं मेरी आय से अपने घर को चला रही हूँ। मैं अपने बच्चों को वो सब देती हूँ जो वो अपने लिए मांगते हैं। मैं उन्हें कार खरीद कर देना चाहती हूँ और जल्द ही ऐसा करने की उम्मीद करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे यात्री मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हैं, मेरे लिए कुछ लोग ताली बजाते हैं, मुझे अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं और मुझे गले भी लगाते हैं। एक बार शिरीन के रिक्शे में एक व्यक्ति बैठा और उसे यह महसूस ही नहीं हुआ कि वो एक महिला है। उस व्यक्ति ने शिरीन को भैया कह दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिक्शा चालक एक महिला है तो उन्होंने शिरीन को कहा कि आप एक दबंग महिला हैं।
शिरीन का मानना है कि अन्य महिलाओं को भी पता चलना चाहिए कि वो भी कुछ कर सकती हैं। शिरीन की इस कहानी से ये बात तो साबित हो जाती है कि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।